दोस्तों जवान मूवी से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। चेन्नई में 200 महिलाओं के साथ 7 दिन तक एक्शन सीन शूट करेंगे SRK। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान रणबीर कपूर आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र में आपको कैमियो करते हुए नजर आए थे, जिस कैमियो को लोगों ने काफी पसंद किया। शाहरुख खान के इस कैमियो को देखने के बाद फैंस इनकी आने वाली फिल्मों को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं, SRK लंबे समय बाद बड़े पर्दे पे अपनी दमदार 3 फिल्मों के साथ वापसी करने वाले हैं। वो 3 फिल्में हैं पठान, जवान और डंकी। वहीं अब इनकी फिल्म जवान को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जवान के एक्शन सीन के लिए 200 महिलाएं हिस्सा लेंगी। एटली कुमार के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग चेन्नई में होगी। इस एक्शन सीन की शूटिंग के लिए चेन्नई में एक बड़ा सेट तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए मुंबई से 200 से 250 महिलाएं प्रबंधक अधिकारी को क्राउडसोर्स किया गया है। ये सभी महिलाएं चेन्नई में आकर शूटिंग करेंगी। इस एक्शन सीन की शूटिंग 7 दिन तक चलेगी और इसके बाद SRK दूसरी लोकेशन पर शूट के लिए रवाना हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं, जवान मूवी में शाहरुख खान के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी नजर आएंगे। ये फिल्म अगले साल 2 जून को रिलीज होगी। इस फिल्म में SRK डबल रोल में नजर आने वाले हैं। जवान मूवी को लेकर लोगों ने भी अपने रिएक्शन दिए। क्या कहा लोगों ने, आइए देखते हैं। एक यूजर ने लिखा, SRK ऑसम एक्शन हीरो एंड मूवी, मजा आएगा। तो एक और यूजर ने लिखा, 2023 बिलोंग्स टू किंग खान ओनली। साथ में एक पिक्चर अपलोड की जिसमें लिखा था, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो एक और यूजर ने लिखा, लव यू मेगा स्टार शाहरुख खान, लव यूर कैमियो इन ब्रह्मास्त्र, कैन नॉट वेट मोर फॉर पठान, जवान, डंकी। दोस्तों ऐसे ही और भी लोग अपने रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर अपनी राय रखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।